नाथ शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। एक प्रेस वार्ता के माध्यम से इंदौर के दो विधायक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष व प्रदेश सचिव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि पत्रकारों पर शिवराज सरकार के खिलाफ कुछ भी छापने पर उन्हें सजा दी जा रही है। उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि कांग्रेस के बारे में कुछ भी सकारात्मक नहीं दिखावे और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कुछ न छापे और दिखाए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि जनसंपर्क विभाग के अधिकारी कुछ पत्रकारों पर इस तरह के दबाव बना रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस मोर्चा खोल सकती है। विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल, इंदौर कांग्रेस शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राकेश सिंह यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर भाजपा पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर आर आर पटेल ने एक खबर को लेकर एक समाचार पत्र के संपादक को फोन किया कि अगर आपने शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया, तुलसी सिलावट के खिलाफ अगर खबर छापी तो उस खबर का आपको खंडन छापना पड़ेगा, उस खबर के लिए आपको खेद प्रकट करना पड़ेगा। किसी भी कांग्रेस की खबर आप बड़ी नहीं छापेंगे और अगर छापने के बाद आपने खेद प्रकट नहीं करा, आपने कभी खंडन नहीं किया, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इससे राहत आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद उस संपादक के पीछे लसूड़िया थाने की सारी पुलिस कल 3 बजे से लगा दी गई। उसको लगभग लसूड़िया थाने के TI से लेके हवलदार से लेके सारे जितने भी वहाँ के पुलिस वाले हैं उन्होंने उसको कम से कम 100 फोन किए कि आप कहाँ हो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान कितने डरे हुए हैं कांग्रेस से, वो कितने भयभीत हैं जो सिंधिया के कहने पर, सिलावट के कहने पर आज आपके समाचार पत्रों का, पत्रकारों का, अधिकारों का हनन कर रहे हैं, अभिव्यक्ति का हनन कर रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में अब जनसंपर्क अधिकारी ये बताएगा कि कौन सी खबर छापना है, कौन सी खबर नहीं छापना है, किस खबर को लेके विवाद हुआ? ये खबर थी जब तुलसी सिलावट ने ये बोला कि 15 दिन में सिंधिया इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे।